जेनिफर लॉरेंस को तो आप जानते ही होंगे, जिन्होंने बहुत सारे मज़ेदार रोल्स निभाए हैं, चाहे वो हंगर गेम्स का सही या एक्समैन में मिस्टीक, पर उनका आज तक कोई भी ऐसा रोल नहीं है जो फुल ऑन कॉमेडी वाला हो, जिसमें सिर्फ कॉमेडी के अलावा कुछ ना हो। तो फाइनली हमें कोई ऐसा रोल मिल चुका है कॉमेडी वाला, और ये वाली मूवी आर रेटेड कॉमेडी होने वाली है। अगर आप आर रेटेड मूवीज़ के बारे में नहीं जानते हैं, तो कुछ मूवीज़ होती हैं पीजी, जो लगभग बच्चों के लिए होती है, फिर PG-13 जो मार्वल की टाइप की मूवीज़ होती हैं, और आर रेटेड जिसमें कोई भी बैरियर नहीं होता है, मतलब 18 प्लस वाली जो मूवीज़ होती हैं उनको आर रेटेड कहा जाता है। इनके अलावा और भी रेटिंग्स हैं, पर उनको कभी और समझेंगे हम लोग। तो ये मूवी थोड़ी हैंगओवर टाइप की हो सकती है, और बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है हैंगओवर जैसी कोई बढ़िया कॉमेडी देखे हुए। इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं उनने गुड बॉयज़ भी डायरेक्ट की थी 2019 की। अगर आपने गुड बॉयज़ नहीं देखी तो आप चेक कर सकते हैं, वो भी मज़ेदार मूवी है। उस मूवी में छोटे छोटे बच्चे होते हैं पर काम बड़े लोगों वाले करते हैं, अब आप समझ जाइए कौन से वाले काम। तो ये जो मूवी है जेनिफर लॉरेंस की नो हार्ड फीलिंग्स, ये रिलीज़ होगी जून 23, 2023 को, मतलब इसी साल। ट्रेलर देख के बेसिक प्लॉट ये समझ में आता है कि जेनिफर लॉरेंस का जो कैरेक्टर है वो ऊबर ड्राइवर है, और उसको कार चाहिए, उसको थोड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। तो एक क्रेक्स लिस्ट करके एक जगह होती है, वहाँ पे एक ऐड आता है जिसमें पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके 19 साल के लड़के को एक डेट मिल जाए, और कोई भी जो उनको डेट करेगा उस बच्चे को, 19 साल के लड़के को, फिर उसको कार दे दी जाएगी। अभी 19 साल के लड़के के साथ जो डेट होने वाली है वो सिर्फ डेट नहीं है, डेट है, तो मतलब समझ जाइए कैसी वाली डेट है। अब जेनिफर लॉरेंस इस ऐड के लिए अप्लाई कर देती हैं, और अगर जेनिफर लॉरेंस के साथ डेट करने को किसी को मिले तो डेफिनेटली हाँ कर देगा, कोई भी हाँ कर देगा। पर ये लड़का कुछ डिफरेंट है, इसमें पता नहीं कुछ अजीब ही है। जब जेनिफर लॉरेंस इसको ड्रिंक कराने ले जाती है तो वहाँ पे उल्टी कर देता है, जब स्किनी डिप करने जाते हैं तो उसमें भी मना कर देता है, और जब जेनिफर लॉरेंस के आंखों में पेपर स्प्रे भी कर देता है, मतलब ये लड़का भी है जेनिफर लॉरेंस को डेट करने को मिल रहा है और आप ये सब काम कर रहे हो। खैर, ये ट्रेलर फुल ऑन कॉमेडी के हिसाब से बनाया गया है, और मुझे लग रहा है जेनिफर लॉरेंस के ऊपर कॉमेडी बहुत ज़्यादा सूट कर रही है, उनके पंचेस, उनके डायलॉग्स, उनकी लाइंस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई यहाँ पे। जैसा कि मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूँ कि ये आर रेटेड कॉमेडी है, तो इसमें कोई भी बाउंड्री नहीं होने वाली। तो आपने ट्रेलर के स्टार्टिंग में ही देखा होगा कि एक लाइन आ जाती है कि माइंड इफ आई टच योर वीनर, अगर ऐसी टाइप की लाइंस हैं तो आप समझ जाइए कि हर टाइप की कॉमेडी होने वाली है, हर टाइप के जोक्स आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर आप ऐसी मूवीज़ को लाइक करते हैं तो मुझे लगता है कि आप इस मूवी के लिए एक्साइटेड होंगे। मैं हैंगओवर जैसी मूवीज़, आर रेटेड कॉमेडीज को एंजॉय करता हूँ, तो मैं इस मूवी के लिए एक्साइटेड हूँ। आप बताइए आपने नो हार्ड फीलिंग्स का ट्रेलर देखा कि नहीं, और अगर देखा है तो आपको ट्रेलर कैसा लगा। ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।